Hello class second, this is your English subject and today I am going to teach you chapter number 5. Open your books now. Now as you can see on your screen beta, this is your chapter number 5, A Mischievous Boy, मतलब एक शरारती लड़का, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये बॉय बैग लगा के जा रहा है, इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? Now, once a mischievous boy lived in a village that stood in the feet of a hill. यानी वो एक शरारती बच्चा था, गांव में रहता था और वो feet of a hill, यानी पहाड़ियों के पैरों के तले, मतलब नीचाई की तरफ पे वो hills पे रहता था, ठीक है? Now, one day he thought of having a fun at the cost of his फेलो विलेजर्स को, उसको माइंड में एक आइडिया आया कि वो अपने गांव वालों को परेशान करेगा, ठीक है, उनके साथ मजाक करेगा। और उसने क्या किया, स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक पे वो खड़ा होके जोर जोर से चिल्लाने लग गया, जोर जोर सी आवाजों में, लॉइन लॉइन कम सेव मी, कि लॉइन आ गया है, मुझे बचाओ, आओ मुझे कोई बचाओ, ठीक है? अब क्या होता है, द विलेजर्स हर्ड, जैसे ही उन्होंने उनकी शाउट चिल्लाना सुना, उसकी तरफ वो सारे भाग के गए। When they reached there, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर कोई लॉइन नहीं था और वो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था। अब द बॉय लाफ्ड, अब वो लड़का क्या किया उसने, वो बॉय हंसने लग गया विलेजर्स यानी अपने गांव वालों को देखकर, और हंस के कहने लग गया, नो लॉइन नो लॉइन आई डिड इट ओनली फॉर फन, कि यहाँ कोई शेर नहीं है, मैंने तो सिर्फ फन किया था, मजाक किया था। द विलेजर्स गॉट हाईली अनॉयड एंड केम बैक, ठीक है, केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर। अब वो बड़े परेशान, इरिटेटेड हो गए, गुस्सा हो गए उससे, कि उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुमने अपने सिर्फ मजाक के लिए इतना बड़ा मजाक किया हमारे साथ। और कुछ दिनों के बाद द बॉय रिपीटेड द होल एक्ट, अब बॉय ने कुछ दिनों के बाद सेम यही एक्टिविटी दोबारे करी, और फिर दोबारे विलेजर्स उसको भाग के रेस्क्यू करने आए, रेस्क्यू मतलब उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए आए, दे वर ड्यूप्ड अगेन। अब वो, उनको पता लगा कि उनको दोबारे वो मूर्ख बना दिया गया, ठीक है? नाउ कम नेक्स्ट पेज, नाउ एज यू कैन सी, नाउ दे डिसाइडेड नॉट टू बी फूल्ड बाई हिम एनी मोर। अब विलेजर्स ने, सभी ने क्या किया, डिसाइड कर लिया, अब वो हमें जब भी बुलाएगा हम नहीं जाएंगे, वो हमें बार बार पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, वो हमें परेशान करने में उसको मजा आ रहा है, हम नहीं जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वन डे, क्या हुआ, दुर्भाग्य उसका ठीक नहीं था, भाग्य खराब था, उस दिन उसका लॉयन रियल में आ गया। अब क्या हुआ, बॉय चिल्लाया, ही शाउटेड लॉइन लॉइन एज अलाउड, जितना जोर से वो चिल्ला सकता था उसने लॉइन लॉइन बोला, और आओ प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन सभी ने सोचा कि जैसे उसने दो तीन बार पहले मजाक कर चुके था वो गांव वालों के साथ, गांव वालों ने सोचा कि वो आज फिर हमारे को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। तो लॉइन ने क्या किया, उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना, द लॉइन अटैक्ड द बॉय। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लॉइन ने कैसे उसके ऊपर झपट्टा मार के उसको गिरा दिया। बॉय स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ, बट बॉय ने, अब बॉय का लॉइन के सामने क्या है, वो कुछ भी नहीं है। बॉय ने काफी संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, काफी लड़ाई लड़ी उससे, लेकिन कुछ ही मिनटों में लॉइन ने उसे मारकर गिरा दिया और उसको खा गया। अब स्टोरी से हमें क्या पता लग रहा है, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, आप एक बार झूठे बन जाएंगे तो हमेशा के लिए झूठे बन के रह जाएंगे। नो वन विल बिलीव ऑन यू, कि आप सही हैं या गलत हैं आप, ठीक है? नाउ एज यू कैन सी बेटा, आपको न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये न्यू वर्ड्स आपके वर्ड मीनिंग्स हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और आपको लर्न करने हैं, ठीक है? नाउ आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन नेक्स्ट पेज पे आइए। नाउ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर ए के आपके 5 क्वेश्चंस हैं, और आपको थोड़ा सा बोल्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको, ये आपके आंसर्स हैं इसके, ठीक है? नाउ आपका क्वेश्चन नंबर बी है, क्या है आपका बी,
answer the following questions. ये आपके two answers आपके नीचे screen पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी three मैं आपको show करती हूँ ना आगे. ये ऊपर देखिए आपके screen पे 3, 4, 5, ये 5 question answers. But now यहाँ देखिए आपका answer number 5 में क्या है. Why did the villagers annoy? उनको गुस्सा क्यों आ गया था? आप यहाँ पर because से पहले आप अपनी question से note करेंगे the villagers were annoyed. ये आप words लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे because the boy befooled them. उन गांव वालों को उस पर गुस्सा क्यों आ रहा था? कि क्योंकि उसने उसको गांव वालों को पागल बनाया था. ठीक है, तब उसके बाद आप because से लिखेंगे. पहले आप क्वेश्चन से नोट करेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी है आपका. ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. आंसर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप अपने ट्रू फॉल्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन. नाउ आपके पेज नंबर 39 पे है बेटा ग्रामर गैलरी. दिस जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए है आपका. सेलेक्ट द सूटेबल प्रेपोजिशंस. आपके नीचे क्वेश्चन के नीचे आपके 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जिनके आंसर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं. ये दिखाई दे रहे ना आपको, थोड़ा सा डार्क वाले हैं, ये डार्क वाले हैं, ये आपके आंसर्स हैं. यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नाउ अब नीचे वाला क्वेश्चन है बेटा आपका कंप्लीट दीज वर्ड्स. आपकी बुक में देखिए आपके ये वर्ड्स कंप्लीट नहीं है. या तो वो कह रहे हैं आप ई आर लगा के वर्ड्स को पूरा करेंगे या ओ आर को. जैसे आप फर्स्ट में देखिए आपका फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आप इसमें ओ आर लगा के आप अपने वर्ड डॉक्टर को कंप्लीट किया है हमने. ठीक है, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे. अब उसके सामने सेकंड वाला है आपके बुक में एफ एल ओ डब्ल्यू. अब इसमें ओ आर लगाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, आप इसमें लगाएंगे ई आर, तो आपका वर्ड क्या बन गया, फ्लावर वर्ड बन गया है. इस तरीके से हम आपके 8 हैं आपकी बुक में, आप यहाँ से 8 अपने वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. नाउ योर सी वर्ड, सी क्वेश्चन इज योर अपोजिट वर्ड्स हैं. आपको मालूम है ना अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं जिसको, उल्टे होते हैं. ठीक है, मैं अगर आधा बोलूंगी तो दूसरी तरफ पूरा होगा, मैं आना बोलूंगी तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जाना. ठीक है, तो आपके ये बुक में आपके 8 वर्ड्स हैं जिसके आंसर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं, आप यहाँ से कंप्लीट कर. ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर डी है आपका सर्कल अ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड क्या होता है बेटा, जब आप जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए आपकी बुक में तो आपको 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आप 2 वर्ड्स को निकाल के आप एक वर्ड बनाएंगे. कंपाउंड का मतलब होता है जब दो वर्ड्स को जोड़ के आप एक वर्ड बनाते हैं, तो वो जो एक वर्ड बनता है वो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड. ठीक है, जैसे मैंने एनी प्लस बॉडी, एनी बॉडी को ऐड करके मैंने वर्ड पूरा किया है एनी बॉडी. रेन प्लस कोट किया तो मेरा वर्ड बन गया रेन कोट. इस तरीके से आप अपने ये आपके 6 वर्ड्स हैं. नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये आपके यहाँ 6 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और आप अपनी नोटबुक्स में और बुक्स में भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एंड इसके बाद आपका है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. आपका पेज नंबर 40 पे है. इन वर्ड्स की आप स्पेलिंग्स को और इनकी जो बातें ये कर रहे हैं आपस में, आप इसको रीड करेंगे थोरोली. ठीक है, नाउ अब आपके पेज नंबर 41 पे है बेटा लेट्स राइट. एक क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द मिसिंग लाइन्स है. ये आपके स्टार्टिंग वर्ड्स मैंने आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से मिलाएंगे और जो आपके मिसिंग डैश में जो फिल होना है आपके स्क्रीन पे, उन वर्ड्स को आप फिनिश करेंगे. जैसे फर्स्ट में है आपका ऑफ के आगे आप हैविंग से लेकर विलेजर्स तक आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नाउ सेकंड में देखिए रॉक के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, शाउटेड. रॉक के बाद है ही शाउटेड से लेकर आप वॉइस तक पूरा, ही शाउटेड से, यस बेटा ही शाउटेड से लास्ट तक आप कंप्लीट करेंगे. थर्ड में देखिए द विलेजर्स हर्ड, हर्ड के बाद द शाउट से आप लास्ट तक कंप्लीट करेंगे अपने अपने नोटबुक्स में और बुक्स में. एंड फोर्थ में आपका है बट व्हेन दे रीच्ड देयर. ठीक है, अब दे से लेकर आपका लास्ट तक जो भी है आप पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नाउ फिफ्थ में देखिए आपका लिखा हुआ है फिफ्थ में नो लॉइन.
नो लॉइन के बाद आपका लिखा हुआ है जो भी वर्ड्स हैं, आई डिड इट ओनली फॉर फन, ये भी आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका है क्वेश्चन नंबर बी, आपके स्क्रीन पे मैंने दिया नहीं है, घबराना नहीं बच्चों, आपका बी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे या आपने खुद से करना है। गिव राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको कंप्लीट करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है माई नेम इज, इसका मतलब आपके जो ब्लैंक है आप यहाँ पे अपना अपना नेम लिखेंगे, ओके। आई रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, सेकेंड क्लास, आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड क्लास, ठीक है। अब नाउ 42 पेज पे आ जाएंगे, ये इस तरीके से आपके यहाँ नेक्स्ट पेज पे भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कहाँ रहते हैं, वो माई मदर नेम इज, शी इज, माई फादर इज, इस तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस को अपनी मम्मा पापा की हेल्प से कंप्लीट करेंगे, उनसे डिस्कस करके, ठीक है बेटा। नाउ अब सी क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेम्बर्स लिव इन योर फैमिली, आपके घर में कौन कौन है मेंबर्स में, दादा होंगे, दादी होंगे, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जिसके जो जो आपके घर में रह रहा है उनके आप नेम यहाँ लिखेंगे, आपके पास 5 स्पेस दिया हुआ है, आप अपने घर के ही परिवार के ही लोगों का नाम लिखेंगे, आप आगे वाली फैमिली पे नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपका देखिए पेज नंबर 43 पे आ जाइए, आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन लेट द स्टूडेंट्स डू देमसेल्व्स, आपका फन टाइम का क्वेश्चन है ना ये, आपका 43 पेज पे। तो आपका ए क्वेश्चन है बेटा ये आपका, सॉल्व द पजल्ड क्रॉसवर्ड पजल है आपका, आपको देखो स्क्रीन पे जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है उससे रिलेटेड आपके जो भी ब्लैंक्स हैं ये, जैसे आपके ऊपर साइकिल है तो आप साइकिल वर्ड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बाईसाइकिल है, और जो जो आपके सामने आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, आप मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर बी, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, मैंने आपको स्क्रीन पे आपके आंसर्स नोट कर दिए हैं, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 44 है आपका, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब बॉय क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटीज आप दिखाई दे रही हैं आपको ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से यहाँ आपके 5 लेसन तक हमने ऑनलाइन क्लासेस में फिनिश किया है, आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स में फिनिश करेंगे यहाँ तक अभी, ओके।